नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रायन सोनी, होम्योपैथ एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुहरी या स्टाई या बिलोनी के बारे में। आज जानेंगे कि बिलोनी या स्टाई क्या होती है, इसके कारण क्या हैं और इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। दोस्तों, जब स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हमारी सेविसेस ग्लैंड, जो आँखों में लुब्रिकेंट का काम करती है, उसमें होता है, तो इनके इन्फेक्शन के कारण हमें आँख में लालपन और फुंसियाँ हो जाती हैं, जिसे हम गोरी कहते हैं। दोस्तों, यदि बात करें स्टाई के कारणों के बारे में, तो मेनली ये स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के द्वारा होती है, जिसका इन्फेक्शन होने के कारण हमारी आँख में फुंसी या लालपन आने लगता है और इसमें बड़ी ही तेज़ दर्द होता है। दूसरा कारण है किसी के भोजन में यदि कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ ज़्यादा है, तो उसको भी स्टाई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, विटामिन डी और विटामिन ए की कमी के कारण भी स्टाई होती है। यदि आँखों को अच्छे से साफ़ नहीं रखा जाता है, तो भी स्टाई होने का अंदेशा होता है। काफ़ी लंबे समय से चली आ रही कब्ज़ के कारण भी स्टाई या गुहरी आँखों में हो सकती है। दूसरे, जल गंदे हाथों के लगने के कारण भी स्टाई हो सकती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इसके लक्षणों के बारे में, तो ऊपरी या निचली आईलिड्स पर रेडनेस या स्वेलिंग दिखाई देना, पलकों में बहुत से दर्द और पीड़ा होना, फुंसियों में अत्यधिक दर्द, पलकों के किनारों में सूजन। दोस्तों, अगर बात की जाए इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में, तो इसकी सबसे पहली और अति उत्तम मेडिसिन है पल्साटिल्ला, जिसकी ऊपरी आँखों के पलकों में गोहरी या स्टाई हो, उसको ये बड़ी लाभकारी होती है। दोस्तों, गोहरी या स्टाई के लिए दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है स्टेफाइगेरिया। ये स्टाई की सबसे अच्छी और अति उत्तम दवाई है, जो पल्सेटिला के फेल होने के बाद दी जा सकती है। इसमें सभी पुरानी और बार बार होने वाली गोहरियों में दी जा सकती है। इसको यूज़ करने के बाद आपकी हर प्रकार की गोहरी आसानी से ठीक हो जाती है। दोस्तों, तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है हिपरसल। जब स्टेफाइग्लिया और पल्सेटिला भी असर नहीं करती हैं, उसके बाद हिपरसल्फ का यूज़ आपको बड़ी आसानी से इनमें निजात दिला सकता है। दोस्तों, बार बार आँखों में गोरी होने पर हिपरसल्फ बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर। और यदि आपके इसके अलावा कोई अन्य सवाल है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।